हमारी श्रृंखला एवियन आयुर्वेदा इंटीग्रेटिंग नेचर्स हीलिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पक्षी व्यवहार में आयुर्वेदिक अंतर्दृष्टि, मानव भावनाओं और मनोविज्ञान को समझना के बारे में सीखा। आज हम द हीलिंग पावर ऑफ बर्ड कॉल्स इन एक्सप्लोरेशन ऑफ साउंड थेरेपी इन आयुर्वेद के बारे में सीखेंगे। परिचय। आयुर्वेदिक ध्वनि चिकित्सा में पक्षियों की आवाज की चिकित्सा शक्ति पर इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका स्वागत है। पक्षियों ने हमेशा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजनीय हैं। आयुर्वेद में चिड़ियों की आवाज के उपचारात्मक लाभों को सदियों से मान्यता दी गई है। विशिष्ट कॉलों के बारे में माना जाता है कि इनमें शरीर और मन को ठीक करने और संतुलित करने की क्षमता होती है। इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक साउंड थेरेपी में उपयोग की जाने वाली कुछ सबसे शक्तिशाली बर्ड कॉल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, भारतीय कोयल। भारतीय कोयल एक सुंदर पक्षी है जिसकी एक विशिष्ट आवाज होती है जो मानसून के मौसम की शुरुआत से जुड़ी होती है। आयुर्वेद में माना जाता है कि कोयल की आवाज का मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग चिंता और अवसाद के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसकी कॉल श्वसन प्रणाली के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। भाग दो, दी इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन एक छोटा रंगीन पक्षी है जो अपनी मधुर और मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में रॉबिन की कॉल का शरीर पर एक कायाकल्प प्रभाव माना जाता है और इसका उपयोग थकान और ऊर्जा की कमी के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसकी कॉल पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है और अपच और कब्ज जैसी पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकती है। भाग तीन, भारतीय पिट्टा। भारतीय पिट्टा एक चमकीले रंग का पक्षी है जो अपनी मधुर और दोहरावदार आवाज के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में पित्त की कॉल का शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग बुखार और सूजन के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसकी कॉल तंत्रिका तंत्र के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है और चिंता और तनाव जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों को दूर करने में मदद कर सकती है। भाग चार, भारतीय रोलर। भारतीय रोलर एक सुंदर पक्षी है जो अपनी विशिष्ट और दोहरावदार आवाज के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में रोलर्स कॉल का शरीर पर शुद्धिकरण प्रभाव माना जाता है और इसका उपयोग एक्जिमा और सोरायसिस जैसी त्वचा की बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसकी कॉल प्रजनन प्रणाली के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है और हार्मोन को संतुलित करने और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष। और ये रहा आपके पास आयुर्वेदिक साउंड थेरेपी में उपयोग की जाने वाली कुछ सबसे शक्तिशाली बर्ड कॉल्स। इन कॉल्स को सुनकर आप संभावित रूप से अपने शरीर और दिमाग को ठीक कर सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने आयुर्वेद में बर्ड कॉल के चिकित्सीय गुणों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में हम जानेंगे प्रतिरक्षा के लिए आयुर्वेदिक पक्षी उपचार, स्वस्थ रहने के लिए युक्तियां और तकनीकें।